top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. कर लो कर लो सेल्फी ले लो सत्ता में आ रही है और दिल्ली ने अनुभव कर लिया है केजरीवाल की नौटंकी का, क्योंकि दो साल के पहले कभी भी इश्यूज दिल्ली ने देखे नहीं थे, सब कुछ अच्छे से स्मूथली चल रहा था। दो साल से केजरीवाल आने के बाद आपने देखा होगा दिल्ली के पूरे हालात बदल गए हैं। निगम का जो हक है वो भी तक नहीं दिया जा रहा है, और कल तो उन्होंने बद्दुआ दे दी थी कि परसों बद्दुआ दे दी थी कि दिल्ली के लोगों को चिकनगुनिया डेंगू हो जाए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, दिल्ली में खुद उन्होंने एक बाइट देते वक्त कहा था कि मैं खुद डेंगू का मच्छर हूँ, और जगह जगह काट रहे हैं पर लोग अब देख रहे हैं। सर बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप भी यहाँ के निवासी हैं, बहुत डर है, क्या कमी लगती है, क्या तो यहाँ कितने सुधार आ सके, कुछ ऐसी सुधार तो बिल्कुल आएगा, इसमें दो राय नहीं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करने के लिए भी अपील कर रहे हैं कि केंद्र सरकार सीधे सीधे निगम को पैसा दे, ताकि ये बीच में केजरीवाल ये हट जाए, उसकी वजह से विकास जो करना है वो हो पाए। संवैधानिक तरीके से जो कठिनाइयां हैं केजरीवाल आने के बाद जो शुरू हुई है वो अब नहीं रहेगी। सर जनता की राय भी रही है कि अन्य अभी तक जो कहना है कि सफाई का मुद्दे को लेकर दिक्कत हो रहा है। आप एक बात नोट करेंगे, दो साल पहले तक ऐसी कोई समस्या नहीं थी, इन दो सालों में ही सब शुरू हुआ है। क्योंकि निगम को जो एक आवंटन मिलना चाहिए 1/4 1/3 का, फोर्थ पे कमीशन के अनुसार भी जो आवंटन मिलना चाहिए वो पूरा के पूरा नहीं मिल रहा है निगम को। आप उन सफाई कर्मचारियों की तो हालत देखिए, उनके बच्चों को स्कूल की फीस देने तक के पैसे नहीं हैं। क्यों दिल्ली में पहले ये समस्या नहीं आई, क्यों केजरीवाल आने के बाद ही ये सब कुछ हुआ, वो पूरा पैसा तक नहीं दे रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने 3,500 करोड़ एक साल पहले वेंकैया नायडू जी के मंत्रालय के द्वारा दिया गया, वो पैसा भी नहीं दिया इन्होंने निगम को, वो तो सीधा सीधा स्वच्छता अभियान का पैसा था। सर यूथ के लिए कहेंगे, जिस यूथ के लिए यही कहूँगा, वोट देना हम सबका अधिकार है, वोट दे करके विकास को आगे बढ़ाएं, नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएं।